हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का इस वीडियो पर स्वागत करती हूँ। आज हम दाल के गट्टे बनाएंगे। दाल के गट्टे बनाने के लिए सबसे पहले हम 2/3 कप अरहर दाल लेंगे, जिसे हमने पहले ही 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख लिया था। देखिए, ये कुछ इस तरीके से फूल जाएंगे। हमने इसे एक बार धोकर इसका सारा पानी अच्छे से निकाल लिया है। अब इसे पीस लेंगे। इसके लिए एक मिक्सी जार लेंगे और सारी दाल उसमें डाल देंगे। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे और दाल को पीस लेंगे। अब एक बर्तन को गर्म करेंगे और उसमें खूब सारा पानी डालेंगे। ध्यान रहे पानी ज्यादा ही डालेंगे। अब पानी को बॉईल होने देंगे। दाल भी पिस चुकी है, अब दाल को देख लेते हैं। देखिए, ये अच्छे से पिस चुकी है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और चुटकी भर बेकिंग पाउडर डालेंगे और सभी को मिला लेंगे। अब एक कपड़ा लेंगे ज्यादा मोटा नहीं, पतला कपड़ा लेंगे। आप कोई भी रूमाल ले सकते हैं। अब इसे प्लेट के ऊपर इस तरीके से फैला लेंगे और बीच में मिक्सचर को डाल देंगे। अब इसकी एक पोटली बना लेंगे। अब इसकी गांठ बांध लेंगे। देखिए, पानी भी बॉईल हो चुका है। अब पोटली को पानी में डाल देंगे, लेकिन थोड़ा चलाकर डालेंगे। अब इसे ढक देंगे और 20 से 25 मिनट के लिए पकने देंगे। हो गई है, अब इसे खोलकर देख लेंगे। ध्यान रहे पोटली पानी में अच्छे से डूब जानी चाहिए। अब गैस बंद कर देंगे और पोटली को प्लेट पर निकाल लेंगे। अब 2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर इसे खोल लेंगे। 2 मिनट हो गई है, अब इसे खोल लेंगे।
अब से चेक कर लेते हैं ये अच्छे से पका है या नहीं। इसके लिए एक चाकू लेंगे और चाकू को इसमें डालकर देखेंगे। देखिए चाकू एकदम साफ निकला है, इसका मतलब ये पक गया है। अगर चाकू पर थोड़ी सी भी चिपचिपाहट होती तो हम इसे दोबारा से पानी में डालकर पकने देते। अब इसे ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। देखिए बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है और टाइट भी हो गया है। अब इसे काट लेंगे। अगर आप इसे गर्म में ही काट लेंगे तो ये टूट जाएगा और इसकी कोई शेप भी नहीं आएगी। अब इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग छोटे या बड़े पीस में काट सकते हैं। हमने इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब इन्हें फ्राई कर लेंगे। इसके लिए एक पैन लेंगे और उसे गरम करेंगे। अब इसमें 4 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल हम ज्यादा ही डालेंगे। अब इसमें चुटकी भर हींग, 1 चम्मच जीरा, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर थोड़ा चला लेंगे। अब इसमें गट्टे डाल देंगे और मिला लेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच गरम मसाला डालकर सभी को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे थोड़ी देर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें नींबू का रस डालेंगे। आप इसकी जगह अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसमें कुछ कटा हुआ हरा धनिया डालकर सभी को मिला लेंगे। अब गैस बंद कर देंगे और इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। दाल के गट्टे बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप इसे एज अ स्नैक एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।